नमस्कार, आप देख रहे हैं रणनीति। मैं हूं नकमा। लोकतंत्र में भीड़ तंत्र की जगह नहीं है। हमारा मुल्क जो है वो मॉबक्रेसी में नहीं बदलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ की हिंसा को एक अलग श्रेणी के अपराध में रखने की बात कही है। राज्य सरकारों को सख्त आदेश दिया है कि वो संविधान के मुताबिक काम करें। ये आदेश सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन पूनावाला और महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी द्वारा गोरक्षकों की हिंसा पर जांच की मांग की याचिका पर सुनवाई के दौरान आए। तुषार गांधी ने कुछ राज्यों पर अवमानना याचिका भी दायर की थी, जिसमें आरोप था कि वो अदालत के पहले आदेशों को लागू नहीं कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये राज्य सरकारों का कर्तव्य है कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखे। कोई भी कानून हाथ में नहीं ले सकता। भीड़ की हिंसा पर संसद कानून बनाए, हत्या के लिए सजा का प्रावधान हो, केंद्र और राज्यों को 4 हफ्ते में लागू करने का आदेश दिया गया है। ये इसलिए क्योंकि भारत में पिछले कुछ सालों में मॉब लिंचिंग या फिर भीड़ द्वारा की गई हिंसा और गोरक्षकों द्वारा हिंसा की घटना बढ़ी है। पिछले 2 महीनों में ही 19 ऐसी घटनाएं सामने आईं जो मॉब लिंचिंग की कैटेगरी में हैं। सबसे ताजा घटना कर्नाटक की है, जिसमें बच्चा चोरी के शक में एक भीड़ ने गाड़ी में सवार 4 लोगों की जमकर पिटाई की, जिसमें एक इंजीनियर की मौत हो गई। बच्चा चोरी की जो अफवाह थी वो भी व्हाट्सएप ग्रुप से फैली थी, और उसमें सवाल ये भी उठता है कि जो सोशल मीडिया है वो कितना ज़्यादा जिम्मेदार है इस तरह की अफवाहें फैलाने के लिए, और क्या सिर्फ अफवाहों की वजह से ही भीड़ हिंसक होती जा रही है। क्योंकि ऐसे में हाल ही में झारखंड के रामगढ़ शहर में पिछले साल अलीमुद्दीन अंसारी नाम के शख्स की हत्या के आरोप में जमानत पर जो लोग रिहा हुए थे उनके साथ केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा नजर आए और उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत किया, तो सवाल उठने लगा कि भीड़ की इस हिंसा को उकसा कौन रहा है, कौन हिम्मत दे रहा है इस भीड़ को। मॉब लिंचिंग यानी भीड़ द्वारा की गई हिंसा, जिसकी वजह कभी बच्चा चोरी की अफवाह, कभी गोरक्षा हो सकती है। इसकी एक बड़ी वजह सोशल मीडिया भी है, व्हाट्सएप पर फैल रही अफवाहें हैं, और इन सब के बीच में सवाल है कि क्या सोशल मीडिया ही बना रहा है भीड़ को हत्यारा, या फिर ऊंचे ओहदों पर बैठे लोगों का समर्थन उन्हें ये हिम्मत दे रहा है। भीड़ को ये हिम्मत कहां से मिलती है, और लिंचिंग पर राजनीतिक दल निष्क्रिय क्यों हैं? मेरे साथ राघव अवस्थी हैं, जो वकील हैं और आरएसएस सदस्य हैं। तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ेंगे, जो याचिकाकर्ता इस मामले में हैं, और हर्ष मंदन हैं, मानवाधिकार कार्यकर्ता। राघव अवस्थी, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का कि इसका संज्ञान लिया और ये बातें आदेश एक निर्देश दिया है कि राज्यों को जरूरी है कि इस तरह के कानून बनाए, क्योंकि पिछले दिनों में इतनी घटनाएं बढ़ी हैं मॉब लिंचिंग की। पहले भी सुप्रीम कोर्ट इस तरह के सजेशंस देता रहा है, लेकिन आज एक अवमानना की भी इसमें याचिका दायर की गई थी कि राज्य इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। अब इसके बाद आपको लग रहा है कि ये राज्य, केंद्र सरकार, ये सब एक अलग कानून इस पर बनाएंगे? दो चीजें समझने वाली हैं जो मुझे लगती हैं जो महत्वपूर्ण है। पहला तो ये कि कानून बनाना या ना बनाना, चाहे प्रदेश की विधायिका हो या केंद्र की विधायिका हो, उसका एक सॉवरन प्रेरोगेटिव है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सजेशन दे सकता है। अच्छा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज है उनका उल्लंघन या अवमानना नहीं करी। जहां तक मॉब लिंचिंग का सवाल है उस पर मैं आता हूं। ऐसा नहीं है कि एक मॉब एक सेकंड आप ही की बात पूछ रही हूँ कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, यानी कि आपका कहना है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, मैं कहता हूँ एक सजेशन है, नहीं, दो चीजें इसमें। एक तो उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी है स्टेट्स के लिए, और उन गाइडलाइन में मेरे हिसाब से कुछ उसमें गलत नहीं है। बिल्कुल गाइडलाइंस को इंप्लीमेंट करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट का काम है, सुप्रीम कोर्ट उसको। लेकिन कानून जो बनाने की सजेशन है वो बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं। बस इसमें एक चीज और मैं ऐड करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द यूज किया, विजिलेंटी जस्टिस। तो विजिलेंटिज्म तभी होता है जब जनता को यह लगता है कि जो कानून है, जैसे जो गोहत्या के खिलाफ कानून है, जो लगभग देश के हर प्रदेश में है, केरल, बंगाल और कुछ नॉर्थ ईस्ट और स्टेट्स और गोवा को छोड़ के, उन कानूनों का जो है इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। और यदि उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से होगा, उस कानून का जो पर जो है अमल किया जाएगा, उसमें राज्य सरकार यदि करेगी, तो अपने आप मॉब लिंचिंग नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि मैंने जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं किया। आपने ये कहा, मैंने उससे पहले, आप मेरा क्वालिफायर नहीं, मेरा क्वालिफायर पूरा, पहले मैंने कहा कि जो विजिलेंटिज्म में जिसने किया है, कह रहे हैं कि जब तक कानून ठीक से लागू नहीं होता इसलिए भीड़ ये करने लगती है। भीड़ को रोकने के लिए कानून को जो है आप
सही तरीके से चलाए और जो ऐसी ऐसी घटना में ज्यादातर मामले, एक मिनट, ज्यादातर मामले हर्षमंदर ऐसे भी सामने आए हैं और ये बात सामने आ चुकी है, प्रूव हो चुका है, जहां पर मान लीजिए मसलन एग्जांपल के तौर पे गोरक्षा की जहां पे बात थी या बीफ रखने की बात थी, एक सेकंड, उसमें यह भी साबित हुआ है कि बीफ की कोई बात ही नहीं थी, शक के आधार पे मार दिया गया था कई बार। अब जैसे बच्चा चोरी की ही बात है, बीफ तो एक बात हुई, उसमें कई बार जैसे ये इंजीनियर मारे गए हैं, अफवाह के बिना पे अगर मार दिया जाता है तो ये आप कहां कहने के कानून इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, भीड़ को ये ताकत आ रही है कि वो कानून अपने हाथ में ले रहा है। हर्षमंदर, नहीं, मैं बिल्कुल वो रैशनलाइजेशन उससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं कारवाने मोहब्बत के माध्यम से मैं अब 12 प्रदेशों में गया हूँ, जहाँ पर मैं भी ये मॉब लिंचिंग से प्रभावित परिवारों से मिला हूँ। उसके आधार पे मैं ये कह रहा हूँ कि मोस्ट ऑफन एक्चुअली लोग जो मारे गए हैं वो बिल्कुल इनोसेंट थे, जिनका उस क्राइम से कोई वास्ता दूर तक नहीं था। पर ये भी कहना ज़रूरी है कि अगर वास्ता था भी, तो भीड़ द्वारा, अगर हम इसको एक रैशनलाइजेशन के तौर पे मान लेते हैं कि जब आपका आपको लगे कि कानून का सही पालन नहीं हो रहा है, कई चीज़ों में हमारे आसपास हर जगह हम देख रहे हैं कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है कहीं, तो हम लोग सब अगर इसको जस्टिफाई करने लगे तो ये पता नहीं देश का क्या स्वरूप होगा। लेकिन लेकिन साथ 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 मैं प्लीज राघव मुझे बात करने दें प्लीज़। तो दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने जो शुरू में सवाल उठाए थे, मेरा ये मानना है कि ये जो लिंचिंग का एक बहुत बड़ा दौर हम लोग देख रहे हैं इस देश में, देश के हर कोने में, उसका सबसे बड़ा कारण एक्चुअली कानून की कमी नहीं है। कानून में, वर्तमान कानून में भी अगर सरकारें चाहती हैं तो इसको रोक पाती हैं, पर मैंने जो हर जगह देखा है कि एक माहौल बना है जहां पे लोग समझते हैं कि उनको एक खुली इजाज़त है कि वो इस तरह की हिंसा करें, अपना खुद का वीडियो वीडियो बनाएं, उसको ही उस वीडियो को प्रसारित करें। हर लिंचिंग में आप अपना आप क्राइम करेंगे और खुद अगर जहां पे भी भीड़ ने हिंसा की है, वो ये कह रहे हैं कि माहौल ऐसा बन रहा है कि भीड़ कश्मीर में माहौल मोदी जी का बनाया हुआ है कि मोहम्मद अय्यूब पंडित की लिंचिंग हो गई। सर, बौद्धिक ईमानदारी कुछ तो रखिए, या वो जरा भी खत्म हो गई है आपने? क्या क्या आप इंटरप्ट करते हैं ना? नहीं सर, जब भी आप इस तरह की बात करते हैं, मैं जम्मू कश्मीर में हुआ उसमें भी मोदी जी का ही की गलती आप निकालते हैं, वो भी माहौल भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बनाया है। जब आप आपने मोहम्मद अय्यूब, आप नाम नहीं लेंगे, बहुत उस अरे देखिए, मैंने कभी ये नहीं कहा, ऑफ कोर्स मोहम्मद अय्यूब को जो मारा गया था वो बहुत गलत था। मैं अभी कर्नाटका से लौट रहा हूँ, वहाँ दीपक नाम का एक बीजेपी कार्यकर्ता है जिसे एक भीड़ ने जाके मारा था, और उनके परिवार के पास भी हम लोग गए और उनको भी समर्थन दे रहे हैं। पर मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर जो आंकड़े बताते हैं, 86% ऑफ काउ रिलेटेड इंसिडेंट्स जो हुए हैं उसमें मुसलमान मारे गए हैं और 8% दलित मारे गए हैं, और ज़्यादातर लोग जो मारे गए हैं क्योंकि इन समुदाय के हैं। और ज़्यादातर मामलों में हम देख रहे हैं कि मंत्री, पुलिस अधिकारी सब उनका समर्थन दे रहे हैं खुल के, तो उस कारण से मैं कह रहा हूँ कि एक माहौल बना है जहाँ पे एक इजाजत सी है कि आप इस तरह की हिंसा करें। आपसे मैं ये बात समझना चाहती हूँ, जैसे जयंत सिन्हा की एक मिसाल अभी थी, वैसी बहुत सारी बातें जहाँ जयंत सिन्हा पे मैं हूँ क्या? जयंत सिन्हा बिल्कुल आया, आप मैं आप ही से सवाल पूछ रही, सुन लीजिए पहले जयंत सिन्हा का एक बात। दूसरी बात, बहुत सारी जगह से हर्षमंदर कह रहे हैं पुलिस के साथ, आपने देखा था वो वीडियो जहां पर पुलिस वाले घसीट के ले जा रहे थे इंसान को, हापुड़ की घटना है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी बातें हैं, मैं एक एक करके अगर याद रहा समय नहीं चलेगा। हाँ, तो उसमें ये फील होता है कि कानून है, कानून की कमी नहीं है, पर कानून जिनको लागू करना है वो कानून लागू नहीं करते और वो भीड़ के साथ खड़े हैं। जयंत सिन्हा का जहां तक सवाल है, तो ये जिन लोगों को उन्होंने गार्लैंड किया था वो जमानत पर रिहा, उनको जमानत का ऑर्डर जो हाईकोर्ट ने लिखा है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है।
तो उसमें हाईकोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के जजेस ने भाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है साफ साफ उन्होंने लिखा है कि इन लोगों के खिलाफ कोई एविडेंस आज की तारीख में नहीं थी। बट हर्ष मंडर साहब जैसे लोग जो हैं जो यहाँ पे एयर कंडीशन टीवी स्टूडियो में अपने घर में बैठे हुए हैं अभी तो नहीं, वो कर्नाटक से तो जा रहे हैं, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्या किया है, एक माहौल बना दिया है कि अगर कोई जिसका कुछ कनेक्शन से डायरेक्ट उसका रिलेशन हो भी ना उस पर भी जो इतना मीडिया और ये प्रेशर बना बना के ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि निर्दोष लोगों को जो है ऐसे इंसिडेंट्स में पकड़ के सजा दी जा रही है और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। एक मिनट, ये बच्चा छोड़ने वाली जैसे जो लोगों हो रही है, आप मेरी बात सुनिए, मेरी तरफ देखिएगा, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि लगातार जो बच्चा चोरी की भी जो घटनाएं हो रही हैं उसमें जो लोग मारे जा रहे हैं, चाहे वो वहां पर महाराष्ट्र में जो घटनाएं हुई है वहां हो या जहां भी हो, सब मुसलमान नहीं थे। हम आपसे सवाल ये पूछ रहे हैं कि चूंकि ऐसा लग रहा है कि चाहे अगर गोरक्षा की बात हो, वहां पर जो कानून के रखवाले हैं वो साथ देते नजर आते हैं हथियारों का, ठीक है, बच्चा चोरी वाली घटना है, व्हाट्सएप की अफवाहें हैं, तमाम चीजें हैं, पर माहौल ऐसा बन रहा है, किसने बनाया मुझे नहीं पता, लेकिन लगता है कि ऐसे टॉप से इस तरह से समर्थन रहता है कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही है उसके ऊपर। जी मैं एक बड़ा ही आर्डेंट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हूँ, मैं बहुत सीधी बात मानता हूँ कि अगर कोई भी कानून तोड़े तो उसका चाहे धर्म जाति कुछ भी हो या जो विक्टिम हो उसका भी धर्म या जाति कुछ भी हो, एक्शन लेना चाहिए, चाहे चाहे वो हत्या के खिलाफ बनाया कानून हो या हत्या के खिलाफ बनाया कानून हो। बात सिर्फ यही थी कि वो जो आरोपी थे वो जमानत पे भी रिहा हुए, जमानत पे थे, लेकिन ऑब्जर्वेशन झारखंड हाईकोर्ट के ठीक है, लेकिन उनको जाके माला पहना के स्वागत करने से मैसेज क्या जाता है? मैं बताता हूँ, मैसेज ये जाता है कि अगर आपको हर्ष मंडर जैसे एक्टिविस्ट के प्रेशर के अंदर आपको ऐसी किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है जो आपने नहीं किया है, तो आपका जो जनप्रतिनिधि है वो आपके साथ रहेगा। और वो तमाम लोग जो मारे गए हैं जिन्होंने वो काम नहीं किया था जिसके लिए वो मारे गए हैं, और भीड़ ने जो कानून अपने हाथों में उसके लिए बाकी सब लोगों की कन्विक्शन तो हो गई, अब उसके लिए आप हम लोगों की भी बलि चढ़ा देना चाहते हैं जी? ये तो मुझे एक अंधेर नगरी चौपट राजा की याद आ गई। प्लीज मैं सवाल देखिए, जनप्रतिनिधि की ये जिम्मेदारी भी थी कि जिसको जो लिंच हुआ था उनके पास वो जाते, और यही एक घटना नहीं है, हम लोग ने देखा गिरिराज सिंह जो लोग जेल में थे उनके साथ आंसू बहाए, महेश शर्मा ने एक उनको राष्ट्रीय झंडा में लपेट के ये किया, अफरजुल जब मारे गए थे वहाँ के मंत्रियों ने व्हाट्सएप ग्रुप में उनको शेरे मेवार कहा, तो वी के नॉट डिनाई द फैक्ट कि एक माहौल बना है जहाँ पे खुला समर्थन उन लोगों को मिल रहा है जो भीड़ द्वारा माइनॉरिटीज़ को मार रहे हैं। मैं कोई एयर कंडीशन स्टूडियो के आधार पे नहीं कह रहा हूँ, मैं 12 प्रदेशों में अभी गया हूँ और हर महीने में निकलता हूँ और फैमिली से डायरेक्टली मिला हूँ, और जो पुलिस का सवाल है मैंने देखा ऑलमोस्ट अक्रॉस द कंट्री इवन इन नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स, पुलिस का मैं ये प्रक्रिया देख रहा हूँ कि वो विक्टिम के खिलाफ केसेस दर्ज करते हैं और जो मारने वाले लोग हैं उनको सुरक्षा देने की कोशिश करते हैं। इस सब से एक माहौल बना है, जवाब आप इस पर दीजिएगा, लेकिन रणनीति में इस वक्त एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम लौट कर आएंगे और उसके बाद ये चर्चा जारी रखेंगे कि क्यों जान लेने पर आमादा है भीड़, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि भीड़ तंत्र बर्दाश्त नहीं होगा उसका क्या असर होगा सरकारों पर। आप देख रहे हैं रणनीति और हम चर्चा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों की जिन्होंने आज जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया और कहा कि जो लोकतंत्र है वहां भीड़ तंत्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि भीड़ को आखिर ये हिम्मत कहां से मिल रही है और क्यों भीड़ हिंसक होती चली जा रही है। राघव, ये इस बात में पहले प्रधानमंत्री कह चुके हैं कई बार कि यू नो गोरक्षकों में गो हिंसा नहीं, मतलब गोरक्षकों को करनी चाहिए और कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, पर जो मोदी जी कहते हैं उनके मंत्री इस बात को गंभीरता से नहीं लेते, क्योंकि उसके बाद भी जयंत सिन्हा को हमने देखा माला पहनाते हुए, जयंत सिन्हा ने उनको नहीं माला पहनाई, जिनके ऊपर इस तरह के आरोप थे, आरोप लगे थे, तो उनको जरूरत क्या थी उनके साथ दिखने की जिन लोग इस तरह के आरोप में है, आरोप लगेंगे तो अब उसके बाद एक आरोप लगा के मुझे जेल में ठूस दिया जाएगा, आपके लिए कोई केंद्रीय मंत्री आएंगे, अपने जनप्रतिनिधि के पास नहीं जाऊंगा, मेरे घर वाले मेरे जनप्रतिनिधि के पास लोगों के पास जाएंगे जिसमें एक एक संदेश देने की कोशिश होती नहीं, है। मैं बताता हूँ, संदेश ये है कि जो विच हंट हो रही है आज वो रक्षकों को पकड़ने के नाम पर। आज जो स्वामी अग्निवेश के साथ हुआ वो क्या था,
वहां पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो आके उनके साथ मारपीट कर रहे थे और डर था कि वो मॉब लिंचिंग करने के लिए वहां पे मौजूद है। ये तो मुझे नहीं पता क्या हुआ अभी स्वामी अग्निवेश जी के साथ, क्या हुआ वो तो मैंने अभी तक तो नहीं पढ़ा यानी कि ये खबर है दिन भर है कि वो वहां पे इनके साथ आज मारपीट और हंगामा वहां मचा है और बीजेपी के कार्यकर्ता उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता थे। ये जब तफ्तीश होगी तो पता चलेगा, ये कह देना कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता थे, मैं कह सकता हूँ कि ये कांग्रेस के कार्यकर्ता। कानून नया बने ना बने इससे कोई फर्क पड़ेगा? कानून बनाने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि कानून पहले से है, जैसा हर्षमंदर साहब कह रहे थे, पर इंप्लीमेंट पहले से है। जो गोहत्या के खिलाफ कानून है और जो हत्या के खिलाफ कानून है, दोनों की इम्प्लीमेंटेशन जो है पूरी पुरजोर तरीके से करनी चाहिए। तो जिन मामलों में लगातार देखा गया है कि दलितों के खिलाफ या माइनॉरिटीज के खिलाफ ये हुआ है और उसमें ज्यादातर इस तरह के मामले जो दलितों के खिलाफ जो दलितों के खिलाफ ऐसा कुछ हुआ है, तो मैं ये मानता हूँ कि जो हमारा SC ST एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट है उसकी सभी फिर भी लगातार ये मामले बढ़े हैं। आपको कहना है कि ये मामले पहले भी हो रहे थे इस तरह की? मैं तो नहीं, मैं दो चीजें इसमें कहना चाहता हूँ। पहला तो ये कि जो हमारे मित्र हर्ष मंडर बैठे हैं तो उनके या तहसीन जी जैसे लोग भी जो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो एक उन्होंने सामाजिक एक कुरीति थी उसके आगे बढ़ के उन्होंने बोला। लेकिन अगर मोहम्मद अयूब पंडित की बारी में या फिर जब खैरलांजे में या मिर्चपुर में जब कांग्रेस की सरकार थी और ऐसे इंसिडेंट हो रहे थे, तो यदि उनके मुंह में दही न जमी होती तो बेहतर लगता। हर्षमंदर, यह आरोप है कि आप लोग पहले नहीं बोलते थे, पहले की सरकारों के समय भी इस तरह का होता था तब नहीं आवाज उठती थी और अब मोदी जी की सरकार इसलिए आवाज उठ रही है। ये मॉब लिंचिंग, ये इस तरह की हत्याएं ये पहले भी हो रही थी। मुझे राघव जी को कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है, मैं देश के नागरिक हैं सर। 15 सालों से जहां भी नफरत और हिंसा हुई है, मैं उन प्रदेशों में भी जाता हूं। कांग्रेस सरकार जब वो बोल रहे थे, आप बोल रहे थे, उन्होंने टोका नहीं था प्लीज। मैं बहुत सारे जगहों में गया हूँ जहाँ पे दलितों पर हिंसा हुई है और उनके साथ भी संवेदना उसी तरह का है। मैं उन जगहों में भी गया हूँ पर आप सुनते नहीं हैं। इनफैक्ट अभी कर्नाटका से लौट रहा हूँ जहाँ पे एक बीजेपी कार्यकर्ता की हिंसा हुई थी और उनके घर में भी गया, उनके साथ भी संवेदना व्यक्त की। लेकिन मैं इसमें इस तरह के वाटरबाउटरी में हम लोग असली मुद्दों को भूल जाते हैं और ये एक बहुत अच्छा तरीका है उनको बांटने का। इसमें कोई शक नहीं है कि जो इंडिया स्पेन ने बताया है कि 2010 के बाद 97% जो काओ रिलेटेड लिंचिंग हुआ है वो मोदी जी के सरकार के आने के बाद हुआ है। तो उसका एक अर्थ होगा, उसका एक कारण होगा और हमें समझना जरूरी है साफ दिल से कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। और पूरी दुनिया में मैंने देखा है कहीं भी इस तरह के लिंचिंग के मामले हैं। हम अमेरिका का सुनते थे 19वीं शताब्दी के अंत में जहां अश्वेत जो गुलाम थे उनको मारा जाता था। इस तरह की भीड़ हिंसा की जो खुलापन हम देख रहे हैं वो सिर्फ इस दौरान इन 4 सालों में बढ़ा है, उसके कारण समझना बहुत जरूरी है। इसके कारण समझना बहुत जरूरी है, इसका आप जवाब देते इसके लिए मेरे पास लेकिन अब समय नहीं है। हर्षमंदर का ये कहना है कि जो भीड़ की हिंसा है वो लगातार बढ़ी है और वो हिम्मत जो है भीड़ की वो बढ़ती जा रही है। तो भीड़ हिंसक क्यों हो रही है इसके कारण समझना जरूरी है और इसके लिए आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उम्मीद है कि उसके बाद इसका कोई असर होगा। कानून हालांकि बनाने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पर ये सरकारों के ऊपर निर्भर करेगा कि वो कानून बनाते हैं नहीं, जो भी मौजूदा कानून है उसके तहत इसको अगर रोक लिया जाए तो काफ़ी होगा। रणनीति में आज इतना ही, धन्यवाद।